सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम दिखाने वाले हैं कि रेस्टोरेंट या होटलों में किस तरीके से नूडल्स बनाए जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कैसे नूडल्स बनते हैं रेस्टोरेंट में, वो सारी चीज़ दिखाएंगे। तो वीडियो को इन तक देखना है आपको, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले तो आपको पानी गर्म कर लेना है। इस तरीके से उबला हुआ पानी में आपको सबसे पहले तेल डालना है थोड़ा बहुत, ताकि चिपक ना जाए, इसलिए हम तेल डालते हैं। उसके बाद नूडल्स डालना है और नूडल्स को अच्छी तरह से पानी में मिला देंगे इस तरीके से। और एक चीज़ बता दूँ, नूडल्स को बॉयल होने में ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 8 से 10 मिनट समय लगते हैं। तो ये 8 से 10 मिनट समय हो चुका है फ्रेंड्स, नूडल्स बॉयल हो चुका है हमारा। अभी हम एक झारे में खाली कर देंगे, इसको छान देंगे। उसके बाद हमें ठंडा पानी से ठंडा करना है इस तरीके से। आपको भी छानना है, और छानने के बाद ठंडा पानी से बिल्कुल ठंडा कर लेना है आपको। आप देख सकते हैं, अभी हमें इसको ठंडा करना है। तो आप घर पर जब भी बॉयल करो, आपको भी छानने के बाद ठंडा पानी से ठंडा कर लेना है। अब देख सकते हैं, ये पानी डाला जा रहा है ठंडा पानी। उसके बाद इसको हाथ से थोड़ा बहुत धो लेंगे, ताकि चिकनापन जो है वो निकल जाए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको धो लेना है। अब देख सकते हैं नूडल्स कितना अच्छा बॉयल हुआ, खिला खिला अच्छा। ऐसे ही आपको बॉयल करना है। उसके बाद हम 20 मिनट तक छोड़ देंगे सूखने के लिए, ताकि पूरा पानी निकल जाए, सूख जाए। धोने के बाद ऐसा ही छोड़ना है मिनिमम 20 मिनट तक। अभी हम ये धुल चुका है, अभी हम छोड़ देंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये 20 मिनट हो चुका है। उसके बाद हमें तेल लगाना है इस तरीके से, आप देख सकते हैं ये पूरा सूख गया पानी। अभी तेल लगाना है, ताकि ये छूट जाए जो चिपका हुआ है। अब देख सकते हैं, तेल लगाने के बाद एकदम खिला खिला सा हो गया, बिल्कुल अलग हो गया जो चिपके हुए थे। तो तेल लगाने के बाद नूडल्स रेडी है, अभी हमें सिर्फ इसको बनाना है। ये आप देख सकते हैं, अभी तेल लग चुका है। इस तरीके से आपको तेल लगाना है। अभी सिर्फ हमें बनाना है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये चाइनीज़ कढ़ाई है, इसको हम गर्म कर रहे हैं। उसके बाद तेल डालेंगे, तेल को गर्म होने तक इंतज़ार करेंगे। इसमें तेल गर्म होने में ज़्यादा समय नहीं लगते, तेल गर्म हो चुका है। अभी हमें डालना है लहसुन, गार्लिक। अब देख सकते हैं, इतना क्वांटिटी में आपको गार्लिक डालना है। उसके बाद अदरक, और उसके बाद डालेंगे जो हरी मिर्ची काटा हुआ है वो, आप देख सकते हैं। इसके बाद अच्छी तरह से पका लेंगे। अब देख सकते हैं, ये तीनों चीज पक जाए, फिर हमें डालना है कैप्सिकम। तो ये पक गया है, अभी हम डालेंगे कैप्सिकम सबसे पहले। उसके बाद डालेंगे ऑनियन, और
के प्याज को भी पका लेंगे थोड़ा बहुत। इसके बाद गाजर डालना है, और अभी डालेंगे ये जो पत्ता को भी कटा हुआ है ये। तो आप घर पर एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, अब देख सकते हैं। इसके बाद इस तरीके से पका लेना है आपको। अभी ये नूडल्स डाल दिया, अभी हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। सबसे पहले डालना है नमक, सॉल्ट, उसके बाद डालेंगे अजीनोमोटो जो चाइनीज सॉल्ट है, और उसके बाद डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर जो है, और ये सोया सॉस है। सोया सॉस के बाद डालना है चिल्ली सॉस, और ये जो डालेंगे ये चिल्ली सॉस है, रेड चिल्ली सॉस। और इसमें हम थोड़ा बहुत सिजवन सॉस ऐड करेंगे जो हमारे रेस्टोरेंट में बना हुआ होते हैं, अब देख सकते हैं। इसके बाद अच्छी तरह से हम मिला देंगे इसमें, तो कितना शानदार कलर आ चुका है अब देख सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से गर्म भी करना है आपको। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको घर पर ज़रूर बनाना है, एक बार ट्राई ज़रूर करना है, और कमेंट्स में बता दीजिएगा कि कैसा लगा रेसिपी। तो ये करिंडर है, इसमें आप स्प्रिंग ऑनियन भी ऐड कर सकते हो, अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं मिल रहा है इसलिए हम धनिया डाल दिया। तो फ्रेंड्स, ये बन के रेडी है। अभी एक डिश में खाली कर देंगे, और तब तक और एक चीज़ करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑल पे करना है ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे, वीडियो देखने को मिलते रहे। अभी हम इसको एक बाउल में निकाल देंगे, अब देख सकते हैं कितना गर्म है, कितना धुआं निकाल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल रेडी है, सिर्फ ऊपर से इसको गार्निशिंग करना है बस। अब देख सकते हैं इस तरीके से आपको गार्निशिंग करना है, इतना शानदार लग रहा है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।